Good morning, guys. अरे बाहर की व्यू मेरी सुबह सुबह फ्रेश हवा चल रही है। तो गाइस अभी मैं उठी हूँ, अभी बज रहा है 8:30 और एक्चुअली मेरे हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं ऑफिस में, लेकिन आज 10 बजे जाएंगे तो इसलिए थोड़ी लेट करके उठी हूँ। ढूंढती रहती हूँ कि कब लेट करके उठूँ, दिन ढूंढती रहती हूँ। तो चलिए पहले फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और सोच रही हूँ कि आज पूरा दिन आपके साथ रहूँ, देखते हैं कितने देर रहती हूँ आपके साथ। तो चलिए गाइस, मैं पहले मेरे बेटे के लिए खाना बनाऊंगी। इसके बाद हम लोगों के खाना बनाऊंगी। दूध गर्म करने के लिए मेरे बेटे, मम्मा शिवांश देखिए कितना शरारत है, कितना शरारत करता है ये मम्मा। पापा आ जाओ मम्मा के पास, गुड बॉय, मम्मा इज अ गुड बॉय। क्या हुआ मम्मा? मैं बनाऊंगी टोस्ट, ब्रेड टोस्ट बनाऊंगी। ब्रेड टोस्ट एक्चुअली मेरे एक भैया ने बोले थे कि ये पूजा तुम टोस्ट बना के दिखाना वो रेसिपी। क्या हुआ जब हम लोग, एक मिनट, 4 पीस ली हूँ, 4 पीस मैंने अभी बनाऊंगी मैं टोस्ट, एक टोस्ट बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड टोस्ट के लिए मुझे चाहिए ये प्याज, फिर हरा धनिया और एक ग्रीन चिली और 2 अंडे और एक ऐसा बाउल चाहिए। और मैं इसको ऐसे शेप में कट करती हूँ ट्रायंगल में। तो चलिए बनाते हैं। और मेरे बच्चे आवाज़ कर रहा है पीछे से। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, पहले फेंट लीजिएगा एक ओके सहायता से, इससे ना अंडा अच्छा फेंकता है। तो इससे फेंट लीजिएगा पहले। इसके बाद इसमें प्याज, फिर धनिया, ग्रीन चिली सब डाल दीजिएगा। एकदम इजी है, फटाफट। मेरा एक्चुअली आज लेट हो गया है तो इसलिए मैं फटाफट में ब्रेकफास्ट कर रही हूँ जल्दी से।
और इसमें इस पे जाएगी पेपर, थोड़ा सा पेपर डाल दीजिएगा और थोड़ा सा ये चाट मसाला भी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा अभी डालिएगा और थोड़ा सा बाद में यूज करने हैं मुझे। अब इसको मिक्स कर लीजिएगा, तवा बिठाकर इसमें तेल ले दीजिएगा थोड़ा सा, ये मैंने थोड़ा सा ही दिया है। फिर इसके बाद ये जो मिक्सचर है उसमें ब्रेड डालकर डिप कर इसको ऐसे करने हैं। फिर इसमें ऐसे और एक ब्रेड लीजिएगा, इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से ऐसे करके उसके बाद इसको इसी तरह से सब बना लेते हैं। गाइस ये हमने बना ली सब और सब भी कर दी। इसके साथ ये ग्रीन चिली का वो सॉस है और टमाटो सॉस है और इसके ऊपर ना ये चाट मसाला जो है वो छिड़क दीजिएगा, थोड़ी अच्छा लगेगा। बस तो चलिए देखकर आते हैं पतिदेव को। ये देखिए इधर काम कर रहा है। आ जाओ, खाना रेडी है, ब्रेकफास्ट। हाय गाइस, तो हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैं जो ब्रेकफास्ट बनाई आज वो ना मैं हस्बैंड को देखकर फिर चली गई थी मेरे बच्चे को खिलाने के लिए। फिर बच्चे को खिलाकर इसको सुलाकर फिर मैंने ब्रेकफास्ट करी और हम लोग का ब्रेकफास्ट भी ख़त्म। और अभी मैं फ्री हूँ, बेबी भी मेरी सो रहा है ये तो। आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन आप लोग क्या करते हैं? मैं तो हाउसवाइफ हूँ तो घर पे ही रहती हूँ, तो घर पे जो कुछ भी छोटा मोटा काम वो कर लेती हूँ, खाना बनाना ये सब। और आप लोग क्या करते हैं? जिन लोग ऑफिस जाते हैं तो उन लोग तो चले गए होंगे शायद। और एक्चुअली गुजरात में एक हफ्ते से बारिश नहीं हो रहा है तो इसी वजह से गर्मी बढ़ गई है। ये इतने दिन बहुत बारिश था, बहुत ही, एक हफ्ते तो सूरज नहीं निकला, इस तरह का बारिश हो रहा था। लेकिन अभी एक हफ्ते से इतना गर्मी दे रहा है, इतना गर्मी है इधर कि पूछो ही मत। इतना गर्मी, बाप रे बाप, पसीना पसीना हो जा रहा हूँ मैं। और ये जो नेल पेंट है ये मैंने कल रात को लगाई थी, लोग क्या कर रहे हैं थर्सडे के दिन जरूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। गाइस मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी मैं पूजा करूँगी, चलिए पूजा करते हैं। और मेरे जो मेड है वो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाते हैं, एक महीना हुआ है उनको रखी हूँ मैं। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे को लेकर सब कुछ संभालना मतलब अकेले में बहुत मुश्किल हो जाता है और वो भी कम ही सोता है, एकदम कम सोता है। तो उसी समय में मेरे को खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोना है, झाड़ू पोछा भी लगाना, मतलब हो नहीं रहा था। तो इसीलिए अभी जस्ट एक महीना हुआ है मैं इनको रखी हूँ तो ये झाड़ू पोछा लगा कर गया है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। फूल लेकर रख दिए थे अपने भगवान को थोड़ा सा।
और मैं ना रोज़ ही पूजा करती हूँ, मुझे ये पूजा करना अच्छा लगता है। मैं डेली ही पूजा करती हूँ, मैं पहले से ही, मेरा शादी से पहले से ही मेरे घर में डेली नहा कर पूजा करते, सबके घर में ही करता होगा, ये कॉमन बात है। मेरी जो पूजा है वो खत्म हो गई है, अब मैं इस अगरबत्ती को पूरे घर में दिखा दूंगी। हम लोग ऐसे ही बंगाली में ऐसा करते हैं, पूरे घर में दिखाते हैं। तो चलिए, एक्चुअली मेरा बेटा भी उठ गया है घंटी की आवाज सुन सुनकर। बाय बाय। देखिए मुंह कैसा बना रखा है नींद से उठकर। हाँ बाबाई से हेलो 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 बोलो, हेलो। अभी इसको मूड नहीं है हेलो बोलना। तो चलिए थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, अभी इसको नहाऊंगी भी, इसे और दिन दिखा दूंगी इसके नहलाना नहलाना। तो अब तो इसको थोड़ा सा कुछ खिलाऊंगी, फिर इसको फिर से सुला दूंगी। तो एक जितना भी हो सके जब सो जाएगा तब मैं खाना बनाऊंगी। तो हेलो बोलो, हेलो हेलो, हाय हो शिवू। तो चलिए तब तक के लिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। सोना मामा मामा, बाय बाय बाय, इधर नहीं, इधर 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 मामा। ला 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 ला। पानी चढ़ा दी गर्म होने के लिए, फिर चावल भिगो के रख दी। ये चावल भिगो के रख दी हूँ, जब ये गर्म हो जाएगा पानी तब चावल दूंगी। और मेरा ये चिकन भी रेडी है बनके, तो बहुत जल्दी था इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। और गाइस तो अभी जल्दी जल्दी चावल भी चढ़ा देते हैं और कुछ बर्तन है वो धो लेती हूँ मैं। तो चलिए इधर मेरा पानी में उबाल भी आ गया, तो अब इसमें चावल चढ़ा दूंगी। मेरी चावल में उबाल आ गया, अब थोड़ी देर इसको ऐसे रख दूंगी, इसके बाद इसको छाक लूंगी मैं। तो गाइस मेरा जो खाना बन चुका है, मेरा दोपहर का लंच, और बस चावल और तो चिकन ही बनाई। और मैं अभी फ़ोन करके पूछी थी इनको कि क्या कुछ और बना दो और कुछ चाहिए, बोले कि नहीं बस इतना ही काफ़ी है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बनाई। अदरवाइज़ मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि एक सब्जी और चावल पहले बना लेती हूँ, जो भी कुछ रोटी या चावल बना लेती हूँ, और एक दाल या सब्जी कुछ बनाना हो तो बना लेती हूँ। फिर देखती हूँ कि ये उठ गया कि नहीं, मेरे जो बच्चा है अगर ये सोया रहता है तो फिर कुछ दूसरा चीज़ बनाती हूँ, अदरवाइज एक ही से ही काम चला लेती हूँ हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग करेंगे लंच, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, अभी खाना खा के फिर से जाएंगे ऑफिस। तो चलिए लंच कर लेते हैं। सो गाइस ये है हमारी लंच, और ये चिकन पापड़, थोड़ी सी प्याज, बस यही है। तो चलिए खा लेते हैं पहले। तो गाइस हमारा जो लंच है वो ख़त्म हो गया है, और अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, फिर आपके साथ बात करती हूँ। अभी बज रहे हैं 3:30, तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो गाइस अभी बज रहा है 6 o'clock, और शाम के 6 o'clock बज रहा है, और मेरा जो ब्लॉग है वो
यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।